नमस्कार, आप देख रहे हैं जम्मू परिवर्तन और मैं हूं विकास मनास। हमारे जम्मू कश्मीर में टैलेंट की कमी नहीं है, उसी के चलते हमारे डिस्ट्रिक्ट डोडा में भी टैलेंट की कमी नहीं। आज मैं आ पहुंचा हूं गांव कोटी में, जहां पे चार बच्चे और उनमें से एक की आयु जो है यंग है, वो भी 25-26 साल उनकी उम्र है। तो इन लोगों ने एक वीडियो बनाई है आर्मी के रिलेटेड, मतलब कि देशभक्ति, जिसमें आर्मी का रोल निभाया इन्होंने। आज पूरे हिंदुस्तान में हर एक ने अपने फेसबुक पे या व्हाट्सएप पे स्टेटस तो रखे होंगे काफी सारे, वंदे मातरम, जय हिंद, लेकिन इन्होंने कुछ अलग करके दिखाया इस वीडियो में। और इन्हीं से पूछेंगे कि आखिर इन्होंने ये वीडियो क्यों बनाई। वो वीडियो भी दिखाऊंगा आपको लास्ट में, वो वीडियो भी दिखाऊंगा और इसका इनके चैनल का नाम भी बताऊंगा। लगभग 15 किलोमीटर ये दूर पड़ता है ये गाँव, और इनके पास कोई ऐसी टेक्निकल सॉफ्टवेयर या ऐसी कोई चीजें नहीं है जिससे ये इस तरह की कुछ भी चीजें बना सकें, लेकिन फिर भी इन्होंने मोबाइल से इतना बड़ा काम किया है, वो भी दिखाऊंगा मैं। आप क्या नाम है आपका? जी समीर। समीर, जिस तरह से मैंने आपकी इस वीडियो में देखा, आपने एक शायर बोला है हिंदुस्तान के रिलेटेड, वो पहले सबसे पहले सुनाए। जी, हिंदुस्तान हमारी शान, हिंदुस्तान हमारी जान, और सारे हिंदुस्तान की शान तिरंगा हमारी जान। तिरंगा हमारी जान। अब कौन सी क्लास में पढ़ते हो आप? जी 8th में। तो मतलब अभी आपकी उम्र कितनी है? जी कहीं 14-15। 14 साल है या 15 साल है जी? मतलब ये टैलेंट, इतने दूर दराज इलाके में रहने के बावजूद भी आपने ये टैलेंट दिखाने की पूरी कोशिश की इस वीडियो में, क्या मकसद था इस वीडियो को बनाने का? जी, इस वीडियो के माध्यम से हम लोगों को ये बताना चाहते थे कि इंडियन आर्मी की रिस्पेक्ट करें, और इंडियन, उनको जो घर पे बैठे लोग होते हैं उनको उतना पता नहीं होता है कि इंडियन आर्मी हमारे लिए क्या क्या करती है। तो इस वीडियो को देखने के बाद लोगों को थोड़ा पता लग जाएगा कि इंडियन आर्मी हमारे लिए अपनी जान भी देती है और अपनी जान की बाजी लगाने में पीछे नहीं आती है, क्योंकि अब उनको अपने देश की सेवा करनी होती है। तो आपका नाम? मेरा नाम अमरजीत सिंह है। अमरजीत सिंह जी, क्या रोल था आपका इस वीडियो में? क्या इस वीडियो की थोड़ी सी स्टोरी बता दें। इस वीडियो में मेरा रोल तो ज्यादा नहीं रहा, थोड़ा बहुत रहा। इस वीडियो को, इसकी स्टोरी जो है मैंने चूज की, मैंने लिखी। तो इस स्टोरी का यही मेन मकसद था कि हम इस स्टोरी के माध्यम से अपनी आर्मी को सलूट करें, उनको जय हिंद करें, और 26 जनवरी के दिन उनको ये वीडियो डेडिकेट करें। मतलब जिस तरह से मैंने इस वीडियो में देखा, आप जैसे चल रहे हो बर्फ में चल रहे हो, तिरंगा आपके हाथ में है, जय हिंद के नारे बोल रहे हो, कि देशभक्ति का जुनून कहाँ से आया आपको? जी, देशभक्ति का जुनून तो हमें बचपन से ही है, क्योंकि जो हमारा तिरंगा है इसमें 3 ही शांति रूप कलर इसमें लगे हुए, तो ये ऑटोमेटिक हमें जुनून आ जाता है कि हम इस तिरंगे को लहराएं, इसको अपने, मतलब ऐसा महसूस होता है। तो मतलब इसका मकसद क्या था, मुझे सिर्फ बताया कि इस वीडियो को मकसद, जिस तरह से पूरे, मैंने पहले ही अपने इसमें बता दिया कि पूरे भारतवर्ष में आज हर एक ने अपने व्हाट्सएप या फेसबुक पे ये स्टेटस रखा होगा, वंदे मातरम, जय हिंद, इस तरह की वीडियोस रखी होंगी, लेकिन आपने खुद करके इस वीडियो में दिखाया है। जी, इसका मेन मकसद ये था जो आप बता रहे हैं कि एक फौजी चलता है और उसको ये एक फौजी की हमने ड्यूटी, उसका काम दिखाया है कि वो अपने बॉर्डर पे चलते फिरते जब, तब भी उसके साथ घटना हो सकती है, होती है उसके साथ घटना, उसी घटना को हमने दोहराया और दिखाया है। और हमारे जो लोग हैं, हमारे इंडिया के जो लोग हैं, वो अपने घर में सोए होते हैं आराम से, तो आर्मी वाले रात को ड्यूटी करते हैं, बर्फ में ड्यूटी करते हैं, जंगल में ड्यूटी करते हैं, खा के ड्यूटी करते हैं और बिना खाने के ड्यूटी करते हैं। और इसमें हमने ये भी दोहराया कि भूख और प्यास का, बर्फबारी में, मतलब आपने बर्फबारी में जी, तो यही मकसद हमारा था कि सारे लोग जागरूक होने चाहिए अपने देश के लिए, उनको रेस्पेक्ट होनी चाहिए आर्मी के लिए। सबसे मेन मकसद, इंडिया है ही आर्मी, अगर आर्मी नहीं है तो हम लोग भी नहीं है। तो देख सकते हो इनकी मन में कितना जुनून है, और किस तरह से इनके अंदर से इन्होंने कहा कि अगर इंडिया है तो आर्मी के बदौलत, और कितना जुनून है। और क्या नाम है आपका? जी मेरा नाम ऋतिक गोरिया है। ऋतिक, आपके हाथ में तो तिरंगा अभी भी लहरा रहा है, मतलब देश के प्रति कितना प्रेम है आपको? जी बहुत प्रेम है। बता दूं, हमारे साथ समीर है, 8th क्लास में पढ़ते हैं। इनके पापा, जब ये 4 साल के थे तब इनके पापा की डेथ हो गई थी किसी बीमारी की वजह से, और उसके बाद भी इनके अंदर देख सकती हो देश के प्रति कितना प्रेम है,
और इन्होंने एक वीडियो बनाई, इन्होंने सबने मिलकर, कितने लोग थे आप जी? हम इस वीडियो में टोटल 7 लोग थे, और मतलब कि वीडियो में 7 लोग थे लेकिन वीडियो में 4 ही लोग दिख रहे हो आप जी। इसमें हमारे जो कैमरामैन आर्यन है, अच्छा मतलब सारे मिलजुल के आपने, एक कैमरामैन है हमारे आर्यन जो जिनकी उम्र 13 साल की है, बहुत छोटे हैं वो, लेकिन फिर भी आप वीडियो को देख सकते हो कितनी एक्साइटेड होके इन्होंने वीडियो को बनाया है। अच्छा, और उसके बाद हमारे जो फौजी जवान का रोल करते थे। लास्टली मैं क्या कहना चाहोगे पूरे भारतवर्ष के लिए, क्या कहना चाहोगे? हम पूरे भारतवर्ष के लिए ये कहना चाहते हैं, पूरे देश के लिए ये कहना चाहते हैं, पूरे इंडियन आर्मी को ये कहना चाहते हैं, आज 26 जनवरी के दिन जय हिंद जय भारत, जय भारत जय, देख सकते हो जय हिंद जय भारत के नारे अभी भी इनके दिल में गूंज रहे हैं। जब आप ये वीडियो देखोगे, और इनके चैनल का नाम बता दूं मैं, देसी क्या जी, देसी बॉयज की विंस, मतलब यूट्यूब पे सर्च करके देख ले। अभी आपने कितने दिन हुए इस वीडियो? हमें 4 दिन हुए इस चैनल को खोले हुए, 4 से 2 हफ्ते हो गए हैं लगभग। कुछ लोगों को तो अच्छा नहीं लगेगा इस न्यूज को देख के कि आखिर है क्या ये चीज। जब आप ये वीडियो देखोगे देसी बॉयज की विंस, ये चैनल है इनका इस पे यूट्यूब पे, जब आप ये सर्च करके देखोगे शायद ये लोग जिस तरह से हम वीडियो अपलोड करेंगे और नीचे कमेंट बॉक्स में शायद ये अपना लिंक भी शेयर कर लेंगे, तब आप ये खुद देखोगे कि इनके अंदर कितना टैलेंट भरा हुआ है। इन लोगों ने खुद ही वो वीडियो बनाई है, खुद ही एडिटिंग की है, उसके बाद अपलोड की है, और कितना टैलेंट भरा हुआ है। और इस समीर की बात करना चाहूं मैं, समीर के पापा जब ये 4 साल के थे तब इनके पापा किसी बीमारी की वजह से ना रहे थे, मतलब दुनिया को छोड़ के चला गए, और उसके बाद भी ये बच्चा आज 8 तक पढ़ रहा है, और इसकी मम्मी जो है इसको पढ़ा रहे हैं। तो अगर कोई डिपार्टमेंट या कोई आर्मी, जिस तरह से इन्होंने आर्मी के लिए कुछ काम किया, अगर आर्मी या कोई भी डिपार्टमेंट, डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन देख रहा है इस वीडियो को, तो जरूर इसकी हेल्प करे ताकि ये बच्चा आगे जाके पूरे भारत का भविष्य बने और डोडा का कुछ नाम रोशन करे, क्योंकि इस तरह से बहुत सारे बच्चे जो है पीछे रह जाते और अपना टैलेंट नहीं दिखा पाते। तो बने रहे। तो सबसे पहले मैं आपको वीडियो दिखा दूंगा, वो वीडियो इनकी वीडियो थोड़ी 2 मिनट की। आज हम अपने बटालियन से 3 दिन से हम अपने बटालियन से मिल नहीं पा रहे, और हमें रास्ता भी नहीं दिखाई दे रहा। ये देखो कितने बादल है, कहाँ जाएंगे हम? खाना छोड़ा, हमें रास्ता नहीं दिखाई दे रहा है कि हम कहाँ के लिए जाएं। तो अभी आपको भूख सता रही है, और जिसको भी भूख सता रही है तो इस मिशन को छोड़कर चले जाओ। हम अपनी भारत माता की सेवा करने में अपनी जान निशावर कर देते हैं। जिसको भी भूख और प्यास सता रही है उस मिशन को छोड़कर चले जाओ। मैं इस मिशन को अकेले पूरा करूंगा। इस मिशन को पूरा करने के लिए हम अपना सब इकट्ठा सकते हैं, और आप छोड़ने की बात कर रहे हैं। हम दुश्मनों को पीना दिखाएंगे, पीर नहीं दिखाएंगे, क्योंकि हमें अपनी भारत माता की सेवा करनी है, और इस मिशन को हम मिलकर पूरा करेंगे। वो मेरे साथ भारत माता की जय, भारत माता की जय। चलेंगे क्योंकि अभी हमें बादल जाओ, पीछे हो जाओ। नहीं सर, आपको नहीं छोड़कर नहीं जा सकते, आपको छोड़कर नहीं जा सकते। आपको भारत मां की कसम है, पीछे हो जाओ। नहीं सर, नहीं सर, पीछे हो जाओ। मेरे आर्डर को फॉलो करते हो? यस सर। यस सर, तो पीछे हो जाओ। इट्स माय ऑर्डर। यस सर, पीछे हो जाओ। भारत माता की। याद करना हमें, सर आखिरकार हमने मिशन को पूरा कर ही दिया। सर और पोस्ट से भी कॉन्टैक्ट हो चुका है। अच्छा, तो हमारा मिशन कंप्लीट हो गया। यस सर। ऊंची हमारी शान, ऊंचा हमारा हिंदुस्तान, इस सारे हिंदुस्तान की जान, तिरंगा इस हिंदुस्तान की शान। देखा आपने किस तरह से देश के प्रति इनके अंदर कितना जुनून था जब ये वीडियो बना रहे थे,
और किस तरह से ये वीडियो बनी थी। अगर आपने ये पूरी वीडियो देखनी है, कमेंट बॉक्स में अपना लिंक भी डाल देंगे, वो वीडियो देख लीजिए। और इनका टैलेंट की जितनी तारीफ की जाए कम नहीं है। काफी सारे लोग अब जो है आलोचना करेंगे कि इस तरह से बनानी चाहिए, लेकिन गांव के बच्चे शायद जितना कर सकते थे इन्होंने करके दिखाया अपने देश के लिए, अपने फौज के लिए, और फौज के प्रति कितना प्रेम है इनको। तो बने रहिए इस तरह की अपडेट पाने के लिए जम्मू परिवर्तन से। कैमरामैन कमलजीत के साथ मैं विकास मन्हास टोडा।